शिखरजीत गिल उर्फ चिक्सी, भटिंडा के मशहूर सड़ियल। प्यार, दोस्ती, भाईचारा, ये शब्द इनकी डिक्शनरी में मौजूद ही नहीं है। हमारी ग्लैडी ने इतने शौक से बनाया है समोसे। पापा जी, ग्लैडी बुलाओ ना भाई। ग्लैडी को, ग्लैडी पुत्र, आ जाओ बेटा। अरे रे 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 रे, एक और गया। चिक्सी की प्रॉब्लम ही है, ना तो उसकी बेटियां सुशील हैं और ना ही चिक्सी के लिए इतना रईस है कि उसकी भैंसों को कोई यूं ही, माफ कीजिएगा, मेरा मतलब है उसकी गायों को कोई यूं ही अपने खूंटे से बांधे। जरा जी, नाड़ियां दी दुकान खोल के बड़े शाहूकार बने फिरदे ने। मेरा ही दिमाग खराब हो गया सी जो व्याह कर लिया थोड़े नाल। जा फिर अपने प्यो दे महलां च, इत्थे की करनी पई है। चले जाऊंगी, एक बार मेरी कुड़ियां दा व्याह हो लैंदा पेशे से डेंटिस्ट। मुंह की सभी बीमारियों का इनके पास एक ही इलाज है, शिफ्टिंग पेन। ये शिफ्टिंग पेन है, एक दांत से दूसरे दांत में शिफ्ट होता रहता। मेरा दांत तोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं कि इस महीने का किराया माफ कर दूंगा। इस महीने के साथ पिछले 5 महीने का किराया भी ब्याज समेत लूंगा। शिफ्टिंग पेन की तरह ये भी अपना क्लिनिक शिफ्ट कर करके परेशान हो गए, पर इनकी कमाई है कि बढ़ती ही नहीं और लेनदारों की लाइन है जो घटती है। शिफ्टिंग पेन। फैंसी गिल उर्फ फैंसी, पंजाबी फिल्मों का एक बहुत ही लंबरदार। पाड़ नहीं दिता तू मेरी भैन क्या था चूड़ा। ए बंदू, करेगी अज मेरा बदला पूरा। मैं तेरे टोटे टोटे कर दियांगा। मेरे बंदूक दी एक 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 गोली तेरे लहू की प्यासिया। नंबर दारा, आई विल रिप ओपन योर चेस्ट एंड ड्रिंक योर ब्लड यू डॉगी। हेयर इंग्लिश, एक सीधा साधा पंजाबी डायलॉग नहीं बोला जाता। सीधा साधा पंजाबी डायलॉग ना तो ये सीधा है, ना साधा है, ना ही डायलॉग है। क्या यार, आजकल इंग्लिश जमाना है, इंग्लिश कपड़े, इंग्लिश फिल्मा, इंग्लिश डायलॉग। और तू मुझे सिखाएगा? अभी सीख जाओगे ना तो अच्छा है। एक बार मैं चला गया ना हॉलीवुड शहर, मैं वापस नहीं आऊंगा। तुम क्या मुझे निकालोगे? मैं ही अपने अंदर से तुम्हारी पंजाबी फिल्में निकालता हूँ। 5 मस्ते चाहिए थे मुझे, 3 पे कॉम्प्रोमाइज करा दिया। डायरेक्टर पे काम नहीं करने देते, बड़े आए डायरेक्टर। आए पकड़। आल टावे स्टावे वे। क्या स्टाइल है, अपने नाम की तरह फैंसी भी लाइफ में सब कुछ फैंसी ही चाहता है, बस कुछ पैसे की कमी है और कुछ अक्ल की।